मैं जरा तुम्हारे आने से पहले ही घर जा रही थी। आज आप जल्दी जा रही हैं? वो जाना था। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। साफ साफ आपके चेहरे पे दिख रहा है, चलिए सच बताइए। मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? ऐसे मामले में जो बहुत ही नाजुक है। बातें घुमाने फिराने से अच्छा है आप मुझे साफ साफ बताइए। मैंने सब कुछ बता दिया। किसे बता दिया? उसे। कौन? लैला को। पर क्या बता दिया लैला को? मसल की माँ के बारे में। उसने मुझे ऐसा बातों में उलझाया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। और जब मुझे समझ में आया तो सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे सब कुछ बता दिया। आज तो मैं गई काम से। कहाँ है वो? सोने की एक्टिंग करती हूँ, कुछ नहीं होगा, वो उठा ही देंगे ना। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। बेटा मसल, मुझे एक नया गेम मिला है। मैं एक जानवर की आवाज निकालूंगी और तुम्हें बताना होगा कि वो कौन सा जानवर है, ठीक है ना? है ना मजेदार? चलो तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं किसकी आवाज निकालूं? ये कौन सा जानवर है? ये एक मुर्गी है मसल। अब दूसरे जानवर की आवाज निकालती हूँ। ये किसकी आवाज है? ये एक भेड़ की आवाज है। रुको, मुझे बात करनी है तुम्हारी। इस खामोशी से मैं तंग आ चुका हूं। हम बाद में बात करें, मैं थक गई हूं। बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है तुमसे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें बात कर लेनी चाहिए? पहले मेरा हाथ छोड़िए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या हमें बात करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करनी चाहिए। सुनो, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं।
खामोश रहना तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है ना। आप अपनी गलती इस तरह सुधारेंगे मुझ में कमियां ढूंढकर? मैं तुम्हारी कमियां नहीं गिना रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये कमियां निकालना नहीं था तो और क्या था बताइए? मेरा मतलब? क्या मतलब है आपका? अब आपकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। आपने मुझे कितना कुछ कहा, उन इल्जामों को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, और इसलिए फिलहाल मुझसे बात ना करें तो ही बेहतर है। देखो, क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एर्ज़ुरम से कोई मेरे साथ शादी करना चाहती थी, खुशी खुशी मेरे साथ रहने के लिए तैयार थी। अब मैं क्या करूं? समझ गई, चलो अब तुम्हारे नहाने का वक्त हो गया है। ये इसके नहाने का वक्त नहीं है। तो फिर पार्क चलते हैं मसल? मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तब तक तुम अपने डैड के साथ थोड़ा वक्त बिताओ मसल। अच्छा ठीक है। डांटिए मुझे, जो कहना है कह दीजिए, अब आपको पूरा हक है। स्टडी रूम में आ जाओ। तुमने सिस्टर सेरिया के भोलेपन का फायदा उठाकर उनसे सारी जानकारी ले ली। हाँ मिस्टर कैमल, मैंने मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ शांति से बैठकर इस तरह से बात नहीं कर रहे होते। मैं जानता हूँ तुम ये सब मसल की भलाई के लिए कर रही हो, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। पुराने जख्म कुरेदने से हम में से किसी का भला नहीं होगा। मसल की हालत और बिगड़ सकती है, शायद वो हम में से किसी को पसंद भी ना करे। उसकी माँ से मिलने के बाद बहुत कम चांस हैं उसके ठीक होने के। मैं फिर से जिंदगी के इस मोड़ पर ये खतरा नहीं उठा सकता। आप सही कह रहे हैं मिस्टर कैमल, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं तो शायद मसल के लिए यही सही होगा, और आप ऐसा पहले कर चुके हैं। मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी। आई एम सो सॉरी। जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हारे इरादे गलत नहीं है, तो इस मामले में मुझ पर भरोसा करो।
एक नन्ही जान के लिए बिना माँ के रहना बहुत मुश्किल होता है। और इस बात को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। खैर, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं मसल के पास जाती हूं। ए भाई, कैसे हो? कहाँ गायब थे तुम? कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस मैं आने ही वाला था। ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं कर सकते ना। सबसे बच बचा कर लेकर आए हो, और क्या चाहिए तुम्हें? लाओ दिखाओ जरा। इसे लेने में बहुत मुश्किल हुई है। पुलिस वाले आजकल बहुत टाइट हैं। वैसे तुम करने वाले क्या हो? किसे ठोकना है भाई? बस बाकी के कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। जल्दी दे दूंगा तुझे। वुराल, तुम जानते हो ना ये काम मैंने पैसों के लिए नहीं किया, पता है ना? ध्यान से सुनो, एक बड़ी पार्टी हाथ लग गई है। उनका बड़ा कारोबार है। मैंने उस घर की मालकिन को जहां से मिले लिया है और मैं उसी से फिरौती वसूल कर रहा हूं। जैसा मैंने कहा है तुम्हें पैसे दे दूंगा। अगर तुम उनके बड़े कारोबार की बात कर रहे हो तो जरूर वो बहुत बड़े लोग होंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम ना दिन ब दिन शक्की होते जा रहे हो। मुझे उनके बहुत सारे राज पता है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिक्र मत करो तुम, मैंने मुंह खोला तो उनके ये राज लोगों को पता चल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, रेहान ने मिस्टर अमीर को थप्पड़ मारा। हम जिसे गवार समझते थे वो तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। वो सीन देखने लायक था। ऐसे लग रहा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। हम तो ऐसा असलियत में अपने पतियों के साथ भी नहीं सोच सकते। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि मिसेस जावेदान आ चुकी हैं। हाँ, समझ गई जैमरिटिया। देखो तुम अपसेट मत हो। हाँ जानती हूँ। ठीक है डियर, बाद में बात करते हैं। मिसेस जावेदान, कोई ऐसी बात मत बताना जिससे मैं परेशान हो जाऊँ। अब बोलो क्या बोलना है। वो तो मैं पूछना चाहती थी कि आपको भूख लग रही हो तो मैं टेबल लगा। कोई जरूरत नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी, तुम जाकर पेन किलर ले आओ।
क्या बात है? लगता है कुछ हुआ है। वो नाराज दिख रही थी। किसी ऐसे के साथ रहना जिसे तुम जानते भी नहीं और जिससे प्यार भी नहीं करते, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाती। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। ऐसों के साथ कभी कभी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। रेहान बहुत हिम्मत वाली लड़की है, पर मैं उसकी तरह ना कभी हो सकती हूं ना कभी होना चाहूंगी। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्जुन से कोई मुझसे शादी करना चाहती थी, खुशी खुशी मेरे साथ रहने तैयार थी। फिर से मेरा दिल दुखाया। हर बार ऐसा करते हैं वो इंजीर। उन्हें वो सब नहीं कहना चाहिए था ना। तुम्हें तो पता है ना कि मैंने उनसे शादी क्यों की इंजीर। रेहान, तो पार्टी कैसी रही? तुम वहां सबसे खूबसूरत लग रही होगी। रेहान, तुम रो रही हो, क्या हुआ? होना क्या था? वही बात नहीं करने का ड्रामा। हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। पार्टी में तो ऐसी कोई बात नहीं लगी। कुछ नहीं हुआ, पार्टी अच्छी थी। तो क्या वापस लौटते वक्त कुछ हुआ? जरा जाकर खुद को आईने में देखो, तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुमने पार्टी एंजॉय की है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब ठीक होता है, सब खुश होते हैं, पर आप खुश नहीं होते। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको उस जगह पर होना ही नहीं चाहिए था। मुझे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। काश मैं पार्टी में ना आया होता। एमिर, तुम्हारा ये कहना सही नहीं है।
ऐसा कहकर तुम और एक गलती कर दो। कैसी गलती? हाँ सफर, मैंने गलती सुधारने की हर एक कोशिश की पर उसके दिमाग में वो बात जा ही नहीं रही है। वो जाने दो। ये क्या कह रही हो? एक तो पहली बार तुमने कोई फंक्शन अटेंड किया है, समझ सकती हो कि तुम वहां किसी को नहीं जानती थी, पर ये बात तो बड़ी नॉर्मल सी है। क्या आते वक्त भाई ने तुमसे माफी मांगी? नहीं मांगी होगी। मुझे लगा कि इस बार वो तुमसे माफी मांगेंगे, पर शायद भाई को माफी मांगनी ही नहीं आती। बात तुम्हारी नहीं है रेहान, वो अपने दुख और उदासी में किसी को देखना नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि हम उनकी ये बात समझें। वैसे भी उनके मुंह से सॉरी सुनना तो बिल्कुल नामुमकिन है, पर जहां तक मैं अपने भाई को जानती हूं, वो एक दिन अपनी गलती मान ही लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस तरह तुम एक दूसरे को समझ पाओगे। आपस में शेयरिंग से तुम्हें बैठकर बात करनी चाहिए। मुझे तो लगने लगा है कि तुम उसे सॉरी भी नहीं कहने वाले। देखो, माफी मांगने से तुम्हारा कुछ कम नहीं होने वाला। माफी की बात कर रहे हो? वो बहुत सिद्धि है। बहुत ज्यादा सिद्धि। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे थोड़ी अजीब सी आवाजें आई तो सब ठीक है ना, यही देखने आ गया।
तुम्हें अंदर लाना ही भूल गई। जाइए प्लीज, मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी, पर यह बहुत मुश्किल है। ये क्या कर रही है? नींद में कोई खाना खाता है क्या?
शायद आ रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मेरा सिर। आज की सुबह खुश हो लो मिसेस शाविदान, फिर तुम्हें वो सजा मिलेगी कि जिंदगी में किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेल पाओगी तुम। वाह, क्या अच्छा दिन है। मेरे लिए इस घर में आना अच्छा ही रहा। वो कहते हैं ना, बदलाव से जिंदगी और भी बेहतर लगने लगती है, और शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पानी पीकर आती हूँ। अच्छा ये बताओ, कल पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। फिर जल्दी वापस कैसे आए? बस हम पहुंचे ही थे कि पार्टी खत्म हुई। पार्टी खत्म हो गई थी तो कहीं और घुमाते। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, घुमा करो। मुझे जाना है, आप खाइए, मैं चलता हूं। बेटा जरा रुको, मैं भी साथ चलता हूं। आखिर इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं पहले साइट पर जाऊंगा, बहुत काम बाकी है। मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूं।
काफी मेहनत करने लगा है अमीर। यही तो मैं चाहता था। उसकी जिंदगी में तुम्हारे आने से बहुत फर्क पड़ गया है। वो एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। नामुमकिन को मुमकिन किया है तुमने। सिर्फ मेरे कहने से तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। इस ढलती उम्र में तुमने मुझे सुकून दिया है। यकीन मानो तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं कितना खुश नसीब हूं कि अपनी दो प्यारी बेटियों के साथ नाश्ता कर रहा हूं। नाश्ता शुरू कीजिए। कैसी हो रेहान? मैं ठीक हूं। और तुम? मैं भी ठीक हूं। ओए बेटा आगे। बेटा हो सके तो मुझे कल के लिए माफ कर दो। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, पर जानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं बताती, पर वो लड़की बहुत चालाक है। उसने मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, माफी मांग रही हूँ। कम से कम माफ तो कर दो ना मुझे। अब वो भूल जाइए, वो बात खत्म हो चुकी है। उसके लिए माफी मत मांगिए। क्या रात को ज्यादा काम किया है? क्या तुम्हारे वर्कर भाग गए हैं जो सारा काम तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं लेट सोया था इसलिए। गुड मॉर्निंग। ओए गुड मॉर्निंग। बेटा जरा इसे देखो, खाती रहती है, लेकिन वो खाना कहाँ जाता है पता नहीं। देखो कितनी पतली दुबली है। खाना खाके तो हड्डी कट्टी होना चाहिए। लगता है आपने मुझे ठीक से देखा ही नहीं मिस सहरिया। मुझे आज भूख नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है जो कह रही हो कि नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यास लग रही है। इसलिए मैं सिर्फ पानी ही पीऊंगी। इसे लाकर तो दो दिन हुए थे, ये खत्म भी हो गया। कल तक तो बहुत था इसमें। क्या ऐसा हो सकता है? अरे नहीं, खाने की चीज है तो खत्म हो गई होगी। वैसे भी आपको कहाँ याद रहता है? आपने हमें खिला दिया होगा और खुद भूल गई। तुम सही कह रहे हो, मेरी बहू ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। कुछ याद नहीं रहता। खैर तुम लोग नाश्ता करो। मिस्टर कैमल, क्या आप थके हुए हैं? लगता है आप कल रात ठीक से सोए नहीं। नहीं तो, मैंने कॉफी नहीं पी शायद इसीलिए। पता नहीं इतनी प्यास क्यों लग रही है। निगार, क्यों ना हमारी एक बेटी हो जो तुम्हारी जितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी जितनी समझदार, और उसे भी तुम जैसा बढ़िया खाना बनाना आता हो। हाँ, क्या मैं अकेली इस मुसीबत के लिए काफी नहीं जो हमारा बच्चा भी ये सब झेले? अब ये बच्चों की बात मेरे सामने करना बंद करो, जाओ अपना काम करो। ऐसा क्यों कह रही हो? ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें काम करने के लिए अच्छा घर मिला है। इस घर में क्या खराबी है? आह
उसने टेबल क्लीन कर दिया। निगार, अरे ये बच्चे की बात करना बंद करो। तुम्हें नहीं पता कि कल रात को मैंने क्या देखा है? क्या देखा है? रेहान है ना, मिसेस रेहान को क्या हुआ? उसने मिस्टर एमिर को थप्पड़ मारा और उन्होंने भीगी बिल्ली की तरह कुछ भी नहीं कहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या कहा तुमने अभी? मैंने खुद देखा था, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। सच सच बताओ मुझे, तुमने अपनी आंखों से देखा? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? कैसे? How dare she?